वापस आ गया। मैं गया था एग्ज़ाम देने के लिए। अब एग्ज़ाम में पास होके पेड़े खाऊंगा या फिर फेल होके घर वालों के जूते चप्पल, वो तो भैया इस महीने के एंड में पता चलेगा। लेकिन अभी अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। बाहर रे खड़ा है, जाके उससे बात करते हैं। तो अभी रोए बस ये बताने के लिए आया था कि वो उसके ग्रैंडपा जो है, मतलब इस सिटी के मेयर, टेम्प्ररी मेयर ईगस, वो ईगस साहब जी। ये क्यों भागा, क्या हुआ? अबे भूत। तो मैं कहाँ पे था कि मेयर ईगस जो है एरिया को सिक्योर करने के लिए गए हैं वहाँ पर, तो उनको ये करने के लिए, मदद करने के लिए ये गया है अपना रे। ओ ये रहे अपने ईगस चचा, आओ इनसे बात करते हैं। तो अभी हुआ ये है कि मेयर ईगस का पोता रे, जो हमें सुबह मिला था, वो उसको और जो दूसरा एक मेयर था मियोन, करप्ट मेयर था, उसको बॉम्बे ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर लिया। वाह भैया, वो बचाने के लिए गया था, खुद ही फंस गया। बॉम्बे ऑर्गेनाइजेशन क्या पता नहीं, तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट की, पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, वरना बॉम्बे क्या क्या कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको। पूरी स्टोरी तुमको शुरुआत से समझ में आएगी, शुरुआत से देखोगे तो ही समझ में आएगी। तो अभी जो है अपन अपने दूसरे एक्स एम्प्लॉई जो वहाँ पर काम करता था, लेकिन उधर बॉम्बे ने बम फोड़ दिए तो वो दुकान चली गई, बेरोजगार हो गया, उससे बात करते हैं। ये अपना वो बंदा है, उससे बात करते हैं अभी। अब रे और मियोन को बचाने के लिए मैंने और मेरे उस एक्स एम्प्लॉय ने प्लान बनाया कि हम लोग जो है कॉस्ट्यूम बनाएंगे उन बॉम्बे ऑर्गेनाइजेशन जैसी, और वो कॉस्ट्यूम पहन के जाएंगे छुपकर भेष बदल के। तो हम इससे जो है भेष बदल कर वो सब कुछ बनानी पड़ेगी। अबे ये कौन सा मेन्यू खुल गया? अरे भैया मेरे को कॉस्ट्यूम चाहिए, मैं कॉस्ट्यूम ले लेता हूँ। तो अभी मैंने जो है यहाँ से अपनी ड्रेस ले ली है, ज़्यादा संभाषण भाषण वगैरह नहीं दिखाने वाला, तुम भी बोर हो जाओगे, मैं भी बताते बताते बोर हो जाऊँगा। अभी जाके इससे बात करता हूँ। हाँ आपको एक छोटी सी टिप बता देता हूँ, यहाँ पर इस पूरी सिटी के अंदर जो भी आपको पोस्टर्स मिल रहे हैं उसके अंदर गिफ्ट कोड छुपा हुआ है, उस गिफ्ट कोड को जो है यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। रुको मैं अपना एक गिफ्ट कोड टाइप करके तुमको प्रूफ दिखा देता हूँ। अभी यहाँ से जो है अपने एरिया ए के लिए, ए या बी, बी नाम है ना, सॉरी ये तो एरिया ए भाई, हमें एरिया बी के लिए निकालना पड़ेगा। लेकिन रात में अभी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम अभी गए तो हमको पहचान लेंगे। हमने जो है, मैंने और मेरे एक्स एम्प्लॉय ने वो कॉस्ट्यूम बना के रखी है, मैंने 15,000 देने पड़े भाई, 15,000 एल पी इतने ज़्यादा। चलो रात हो चुकी है, अभी हम चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर जो है रे और मियोन को किडनैप करके रखा है। ये देखो ये आ रहा है अपना एम्प्लॉय, बेस बदला हुआ है इसने। चलो अभी इसके पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं इसका भी क्या प्लान है, क्योंकि इसको भी पता होगा, इसको पता होगा यहाँ से यहाँ पर कहाँ पे छुपाया हुआ होगा वो। ये बंदा मुझे यहाँ पर लेके तो आ गया, लेकिन बताएगा कौन? उधर ताला लगा हुआ है, इतना मोटा ताला जो मेरी इस कैची से नहीं टूटेगा। पिछली बार भी यही हुआ था, उसी गस का मेयर, उस मेयर ईगस का दरवाजा तोड़ने के लिए मुझे लेवल 4 की कैची लेनी पड़ी थी, और अब ये देखो लेवल 7। बहुत बढ़िया, गधा मजदूरी करवाओ बस प्लेयर से, और कुछ मत करवाओ भाई। यार वो पुराना मूवी सिनेमा, सॉरी मूवी सिनेमा सिमुलेटर कहाँ पे था, और ये कहाँ पे है? क्या मिशंस दे रहे हो भाई, हैं ये कौन से मिशन दे रहे हो भाई? ये देख लो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे को अब लेवल 7 की कैची चाहिए भाई। इतने रियल टाइम में अगर ऐसा होता तो तब तक तो बम से उड़ा देते वो लोग, हैं? अब कितना टाइम लगेगा मेरे को? Much later. अभी गधा मजदूरी कर करके मैंने जैसे तैसे अपनी जो कैची है उसको अपग्रेड कर लिया मैक्स लेवल पे। भाई अभी चलते यहाँ पर, बाइक से आना पड़ रहा है, वो ऐसे कुछ बोलते भी नहीं है यार। खैर अभी इसको काटना पड़ेगा, कट जा। चलो कट गया। अबे अबे अबे, अरे भैया क्या कैसा डोरे भाई। हाँ डंडा लेके चलते हैं, क्या हुआ? ओहो हाँ, तेरे को क्या प्रॉब्लम? उसको छोड़ पहले तू, यू आर इम्पोस्टर्स हैं ना। बहुत बढ़िया, लड़ने के लिए आ रहे, आ जाओ।
वो देखो उससे लड़ रहा है, मेरे को इससे लड़ना पड़ेगा। ये कैसा कैसा स्टाइल है तुम लोगों, कैसा स्टाइल है तुम लोगों का, दुनिया का फाइटिंग स्टाइल किधर से किधर चला गया, और इसका फाइटिंग स्टाइल किधर का किधर ही है। ऐसा डंडे मारते, मारू 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 50 साल तक डंडे चलाने के बाद अब ये मरेगा। मर, अबे मर ना, कितना खाएगा, कितने डंडे खाएगा, मर ना। गया, अब क्या, वो देखो वो अपना में इसको एक को मैंने मारा है और ये मेरा बंदा लो। हाँ चलो मियोन तो मिल गया, मियोन मिल गया भाई, उसका क्या हालत कर दी। तो अपना एक्स एम्प्लॉय तो उस मियोन को लेके चला गया, रे तो अंदर और अंदर बंद है। वो दरवाज़ा तोड़ने के लिए मेरे को अपना बैट मैक्स लेवल पे करना पड़ गया भाई, मतलब लेवल 1 से सीधा लेवल 7 तक। अबे कितनी गधा मजदूरी करवाओगे प्लेयर से हैं, और इनके टाइम और इनके कीमतें भी कितनी होती है भाई। चलो टूट गया दरवाज़ा, और कितना तोड़ूंगा। लो भैया, हाँ ये क्या, ये रे को बंद करके रखा है, और ये देख लो ये आ गए सामने। आधे घंटे का भाषण सुनाने के बाद बाय बाय कर रही है, ये क्या निंजा की तरह गायब। बहुत बढ़िया, बम फटने वाले हैं भाई। अबे क्या, कितने बम लगाए, एक बंदे को मारने के लिए एक बम काफ़ी है भाई। बम को छोड़ो, मारो गोली, इसको छुड़वाना पड़ेगा। रुको पहले कैंची निकालो अपनी, कैंची से पहले इसकी बेड़िया काट देता हूँ, रस्सी काट देता हूँ, काट दे भाई। चलो रस्सी काट दी, रेडी सेट गो, भागो। चलो ये भी अपने साथ, सब लोग भाग रहे हैं। लो जी बिल्डिंग ही फट गई, लेकिन कोई ना, हम लोग बच गए। तो फाइनली हमने रेको तो बचा लिया, रेको बचा लिया, मियोन अपना करप्ट मेयर गया जेल के अंदर, और हमने फाइनली वो एरिया भी बचा लिया, ये नया अपना एरिया। ये कौन सी नई शॉप है बे, ये देखो मियोन जेल के अंदर है, और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। नीला ये टोपी वाला कौन है भाई। तो मैं और मेरा एक एम्प्लॉय जो है यहाँ पर पूछने के लिए आए मियोन से कि भला उन लोगों ने तुम्हें क्यों कैप्चर किया, तुम उनको जानते हो क्या, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, ज़रा बात करते हैं इससे। तो मैंने और मेरे एक एम्प्लॉय ने तय किया है कि हम मियोन को जेल से बाहर निकालेंगे, वो भी हाई सिक्योरिटी जेल से। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इस पुलिस वाले से बात करके देखते हैं। भाई मेरे को मियोन चाहिए, 5,000 चलेगा क्या तेरे को, 5,000 में देता हूँ, 5,000 ले ले भाई, ठीक है 5,000 कम पड़ रहा है तो ले, 10,000 ले ले, गेमिंग कैफे का मैं मालिक हूँ भाई। लो बहुत बढ़िया, इसको 15,000, इसको 15,000 दूंगा तब मेरी बात मानेगा। चलो भैया 15,000 लेने आते हैं, लेने के लिए जाते हैं। मेरे को कंगाल करवाओगे और करो गधा, और करवाओ मेरे से गधा मजदूरी। लो मैं आ गया, 15,000 लेके ले भाई, 15,000 की रिश्वत ले और मियोन को हमें दे। भाई क्या रिश्वत खोरी वाला खेल चल रहा है इधर। हाँ ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। तो अभी जो है हमने उससे बात करी, लेकिन पहले उसको उसका भेष बदलना पड़ेगा, मोस्ट वांटेड की लिस्ट में होगा वो, किसी ने देख लिया तो हमें गोली मार देंगे, तो उसका पहले भेष बदल देते हैं। अब हम उस बंदे के बेस पे जा रहे हैं जिसने शायद ये सब कुछ करा होगा, वो छिपके बैठा है बॉम्बी ऑर्गेनाइजेशन से। भाई क्या महल है बे, इतना बढ़िया महल, ओहो। ये मियोन हमें अंदर लेके जा सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं। ये देखो ये झूठ बोल रहा है, ये देखो इट्स मियोन, ओके। पहलवान देख लो भाई, अगर इसको पता चल गया कि हम अंदर कुछ और ही करने के लिए जा रहे हैं, मतलब सच का पता लगाने के लिए, तो हमें इधर ही पोड़ डालेगा, इतना बड़ा पहलवान। और दरवाज़ा भी देखो भाई, पूरा महल सोने का बनाया गया इसने, आए हमारे बारे में पूछ रहा है, बच गए भैया। हाँ हम इसके गार्ड है, तेरे को कोई प्रॉब्लम है, बात करते करते मामला बिगड़ गया भाई। लो इसने गार्ड भेज दिया हमारे मुंह पे, वो उधर, वो दोनों उधर एक से निपट रहे, पहले रुको, ओके। हाँ अब ठीक है,
नहीं मम अब नहीं ठीक है। मैं क्यों तेरी ऐसी की तैसी मर मर है ये क्या हुआ? ओहो हम आपस में लड़ रहे हैं और अबे तेरी ये कौन आ गया? अबे ये तो पूरी गैंग लेके इधर आ गई। अबे यार है मुझे क्यों थैंक यू बोल रही है? ओह अबे नहीं ये हमारा पीछा करते करते आ गए भाई। हमारे पीछा करते करते आना था क्या? अबे गए काम से। ये भी इसे ही ढूंढ रहे थे। ये बंदा जो भी है मोटा सा मद्दा सा उसे ही ढूंढ रहे थे। बहुत बढ़िया। अब ये क्या करेंगे हैं? अबे तेरी हमको मारने का। अबे इसकी ऐसी की तैसी पहले उस गार्ड से निपट गया निपट चुका हूँ। अब इससे निपटूँ मैं? लो उन दोनों ने उसको पकड़ लिया। चलो ये इसको तो बेहोश कर दिया। अबे इसने बम मर गए। इसने बम ऊपर फेंक दिया। अबे तेरी तो आए। अरे भाई अपने में अपने एम्प्लॉय को मियोन ने बचाया है? मियोन इतना अच्छा आदमी होगा? क्या कर रहा है? बहुत बढ़िया ये। अरे बचाने तो दे। पूरी बिल्डिंग वैसे भी टूट रही है। ये अंदर धंसा हुआ है। यहाँ से भागने में भले ही है लगता है। अबे तेरी बचा भी होगा क्या? इतना बड़ा धमाका बाप रे। अबे ये कहाँ से टपक पड़े मर गए? डांट पड़ गई मेरे को। डांट पड़ गई हैं? अच्छा हाँ हम तो बच गए। मुझसे बच गए। हमको डांट रहे उस तेरे को साथ लेके लेके जाते तो क्या करते भाई? बहुत बढ़िया। हम हाँ वो पिछले में इसमें हमको जहरीली गैस से बेहोश करा था इसलिए आराम करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ठीक है। चलो बॉम्बे वाला मामला सॉल्व हो गया। बोल रहा है बॉम्बे वाला मामला सॉल्व हो गया। लेकिन वो दो जन तो थे वो तो भैया बचे गए होंगे कि खत्म हो गए होंगे? ये लो एक लड़की बच गई। वो लड़की बच गई जिसका नाम मेरे को नहीं मालूम। चलो नेक्स्ट चैप्टर की ओर निकलते हैं फटाफट। तो अभी जो है मैं बस गेमिंग कैफ़े के अंदर लोगों को भाड़े पे सब कुछ देता रहता था। लेकिन अब ये गेमिंग डिस्क भी मैं जो है बेच सकता हूँ गेम शॉप जहाँ पर ये एम्प्लॉय मेरा काम करेगी। फ्री में एम्प्लॉय दे दीजिए देख लो। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं मंगवा भी सकता हूँ ये। मुझे मंगवाना भी पड़ेगा। अमेजोन जैसी कुछ शॉप है इसकी तो उससे मुझे मंगवाना पड़ेगा और ये भरना पड़ेगा। कोई नहीं लोग आएंगे तब देखेंगे। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। बहुत ज़्यादा कर दिया भाई। ये देख लो लोग जा रहे हैं उधर खरीदने के लिए। और एलियन भी आते हैं यहाँ पर। एलियन अमीर बंदा क्या क्या नहीं लोग आते हैं। ये देखो ये इधर से हम मंगवाना है। तो चलो बहुत दिनों के बाद अभी चलते हैं वापस से मेयर इगस से मिलने। ये क्या हो रहा है? सुकर हाँ उसका नाम सुकर है। बहुत बढ़िया। बिल्डिंग उड़ाने के चक्कर में उनको उड़ा उनको केस के अंदर कर दिया। उनको केस में अंदर कर दिया भाई। वो बिल्डिंग जो फूटी थी ना पिछले वो धमाके में उस धमाके का सारा इल्ज़ाम इसने ईगस पे डाल दिया। बहुत बढ़िया। और ईगस को और उर्रे को दोनों को जेल भिजवा दिया। अब पहले ज़रा अपने एम्प्लॉय से बात करते हैं और फिर देखते क्या करना पड़ेगा अभी हमको। वो मेयर ईगस और रे के साथ साथ मैं भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ चुका हूँ। मेरे को भैया अपना बेस बदलना पड़ेगा। तो मैंने इधर ऑर्डर दी थी बेस बदलने के लिए। ये भैया मेरी लेडी मदद कर रही है वरना पुलिस के हाथों सौंप देती है मेरे को। तो भाई मैं तो मदद करना चाहता हूँ लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारे हमारे हाल पे छोड़ दो हम कुछ कर देख लेंगे। ये क्या है? मीट मी एट एरी पार्क एट नून। ये किसने लेटर भेजा भाई? हाँ पार्क में बुला रहा है दोपहर को। चलो अभी चलते हैं। दोपहर वैसे हो चुकी है अभी चलते हैं उसके पास। कौन है ये?
अबे ये तो वही लड़की है, मर गए। अच्छा हमें अपने बारे में, ये कैसा नाम है भाई राना? लड़कियों क्या ये, लड़कियों क्या ऐसा राना नाम कौन रखता है? राना की जगह रानी लगा रख देती भाई। ओके ठीक है, मुझे क्यों बुलाया इधर? अच्छा मुझसे लड़ना नहीं चाहती। हाँ इसको भी रियलाइज हो गया सब लोग बुरे नहीं होते, ए सिस्टम का एक बंदा गलत हो गया तो सबके सब भ्रष्टाचार नहीं होते। अच्छा तो अरे अरे रे, अच्छा उसके इसके भाइयों को और परिवार को, माता पिता को उस सुकर ने नुकसान पहुंचाया है, और ये जो है एम्पैथी नहीं चाहिए, एटीट्यूड भी दिखा रही है। अच्छा तो ये हमें अपने साथ में, मतलब ये हमारे साथ उस सुकर के खिलाफ साजिश करेंगे, करने में ये करेगी। हर जगह आप मारा मारी करना जरूरी नहीं है, हर जगह ये उसको सीधा बम से उड़ाने की कोशिश कर रही है। हर जगह मारा मारी करने से कुछ नहीं होने वाला, लोग उसका पुतला बना डालेंगे भाई। अच्छा तो अभी चलो मैं समझ गई है, अभी हमारे साथ देगी, वो भी शांति से, शांति से, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। ओके ठीक है, तो मैंने और उसने तय कर लिया कि भाई हम लोग जो है वहाँ पर मतलब मेयर ऑफिस में बाहर मिलेंगे, हमें मेयर ऑफिस के बाहर, ये लोग आगे रात में आगे भैया। तो अभी जो है मैं चुपचाप यहाँ से छुप के जाने वाला हूँ अंदर, वो भाई वो गार्ड देखना ले भाई, एक एक जगह पे जाके एविडेंस ढूंढना पड़ेगा। ये रही किताब, उठा ली मैंने, वो आगे जा रहा है, चलो अभी वापिस से दूसरी किताब भी उठा ली। ओके ओके वो वापिस ना आ जाए भैया, ये लो भैया ये भी किताब मैंने उठा ली। अब वो वापिस आ रहे क्या? और कुछ बचा है? ज़रा छुप जाते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, चलो अभी निकलो यहाँ से, और कुछ नहीं बचा अभी, जितना कुछ एविडेंस ढूंढना था मैंने ढूंढ लिया, अभी निकलो यहाँ से। अरे निकलना। चलो तो हमने तय कराया कि हम लोग जो है लोगों को साथ लेके जाएंगे, क्योंकि अगर हम अकेले गए तो वो अपने गुंडों से, मतलब पुलिस जो है उसके साथ मिली हुई है, तो हमें जेल डाल देगा वो, इसलिए हम जो है लोगों को साथ लेकर, पूरा मोर्चा लेकर जाने वाले हैं उसके ऑफिस के बाहर, उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए। इसलिए जो है मैं यहाँ पर सभी लोगों को प्रूफ दिखा दिखा कर अपने साथ लेके जा रहा हूँ, ताकि पुलिस भी हमारा साथ दे, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बन जाएगा अगर लोग हमारे साथ होंगे तो, और अगर लोग नहीं हमारे साथ होंगे तो भैया हमको ऐसे ही पकड़ लेंगे। तो अभी वापस उसके जाके बात करते हैं कि भाई ले तुम्हारा काम कर दिया, मैंने बहुत से लोगों को जो है अपनी टीम में शामिल कर लिया, अब वो हमारे साथ देंगे वहाँ पर मोर्चा ले जाने के लिए। तो अब चलो पूरा मोर्चा लेके मेयर के ऑफिस में, भाई इतनी वायलेंस वाली गेम, मतलब वायलेंस तो इसमें था, मारा मारी बम वगैरह, लेकिन इसका ये पूरा एंड ऐसा शांति भरा अहिंसावादी होगा, ये सोचा नहीं था भाई। चलो अभी पूरा मोर्चा लेके ईगस, सॉरी ईगस ने, अब वो सुकर का ये बन चुका है, पूरा का पूरा अड्डा सुकर का ऑफिस बन चुका है। पहले ये सब कुछ रखो भाई, अपना लड़ाई झगड़ा हो गया तो अपना पूरा तैयारी रखना चाहिए, स्टेमिना वगैरह। चलो ये अपना तैयारी फुल रेडी, अपन जो है फुल अच्छे से रेडी हो जाते हैं अच्छे से। लो भैया पहले अपनी थोड़ी सी हेल्थ कंप्लीट कर ली, अब चलो वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी, लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, लेकिन ज़रूरत तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता लड़ना पड़ेगा, पूरा मोर्चा लेके जाएंगे तो क्या ही उखाड़ लेगा वो सुकर का बच्चा। वो सुकर का बच्चा है, नाम उसका सुकर है, लेकिन भैया बड़ा अजीब लगता है। लो हम आ गए, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कैसा प्रोटेस्ट कर रहे हो भाई? तो लो भैया अब ये चारों खाने चित हो गया, अब क्या करेगा ये? अंदर भी नहीं भाग सकता। अरे रे रे भाग रहा है बंदा, वाह वाह वाह।
इसकी ऐसी की तैसी, इसको भगा भगा के मारना पड़ेगा। मेरे एम का पता नहीं क्यों ये कटसीन के बाद पूरा चौक हो जाता है, भाग रहा है। रुक तेरी ऐसी की तैसी, ले बेटा तू एक और फटका खा। लो ये गया पुलिस थाने। एक हफ्ते बाद, ओके अब क्या, बहुत बढ़िया, सब के सब आ गए। तो अपना जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको पुलिस की नौकरी मिल चुकी है भाई। और वो जो दूसरी ये राणा नाम की लड़की थी, राणा नाम क्यों है पता नहीं, उसने सरेंडर कर दिया क्योंकि उसने भी थोड़ा गलत काम करा था भाई। ये देखो रे, अपना वही पुराना गेमिंग का सामान खरीद रहा है, ईगस चचा अपना काम कर रहे। अब वापस से इलेक्शंस होंगे और सही तरीके से होंगे, और इस बार भी शायद जीत जाए वो। और ये अपने भाई की ग्रेव पे आई है। हाँ, उस बम के धमाके में उसका भाई मर गया होगा, शुक्र तो बच गया। लेकिन अपना और अपना भाई जो है अपना एक एम्प्लॉय पुलिस वाला बन गया। चलो फाइनली आखिरी चैप्टर, इस गेम का आखिरी अध्याय भी ख़त्म। और इसी तरह ये पूरी की पूरी जर्नी जो है गेमिंग कैफे लाइफ की, वो भी इसी तरह ख़त्म हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी और ये वीडियो भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, ज़रूर कर देना। और भी नए नए गेम्स हम ट्राई करेंगे, और भी नए नए गेम्स खेलेंगे। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।